नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय, एक डिजिटल मार्केटर, एंटरप्रेन्योर और कोच। आशा करता हूं कि आपने मेरा पहला दो वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि आपके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है जिससे आपके करियर का ग्रोथ अच्छे से हो सके और उसके लिए क्या आपको करना चाहिए। और दूसरे वीडियो में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के बारे में बताया था। तो चलिए, मैं तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कवर करना ज़रूरी और कैसे आप इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कौन से मॉड्यूल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है वेबसाइट डिज़ाइन। तो आजकल वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ही एसईओ फ्रेंडली भी है। उसमें आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं और जैसा भी आप चाहे वैसी वेबसाइट उसमें तैयार की जा सकती है। तो उसमें बहुत सारे थीम के ऑप्शन हैं, प्लगइन्स हैं, जिससे आप बहुत ईजिली और आसानी से अपना वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और उसे किसी भी लेआउट में फॉर्म कर सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, किस तरह उसे हम सेटअप करेंगे और कैसे उसे रन करेंगे, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हैं। और जो कस्टमर हमसे जुड़े हैं उनको हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज कैटर कर सकते हैं और अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं या एसईओ भी कहते हैं। बेसिकली लोग इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, बट इसे कहना चाहिए वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हम लोग इसमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो किसी भी सर्च इंजन पर हायर रैंकिंग में आ सके, जैसे कि गूगल हो गया या बिंग हो गया। तो एसईओ के अंदर हमें यह सीखना होता है कि किसी भी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें और क्या प्रोसेस है उस ऑप्टिमाइजेशन का, ताकि वो किसी भी सर्च इंजन में हायर रैंकिंग अटेन कर सके। अगर हमारी वेबसाइट हायर रैंकिंग में होगी, अगर टॉप 5 में होगी, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा ही सेल होगा या हमारे पास क्लाइंट की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा ही आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में कि हम अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का एसईओ या वेबसाइट का एसईओ कैसे कर रहे हैं ताकि वो हायर रैंकिंग में आ सके। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें डील करना चाहिए वो है फेसबुक मार्केटिंग और गूगल एडवर्ड्स। फेसबुक मार्केटिंग में हम लोग एड्स चलाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का, जिसके थ्रू हम कस्टमर गेन करते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऐड चलाया जाता है, वो सारा कुछ आपको जानना ज़रूरी है, ये एक अलग टॉपिक है। उसके अलावा दूसरा है गूगल एडवर्ड्स। जिस तरह हम लोग फेसबुक पे ऐड चलाते हैं उस तरह गूगल पे भी ऐड चलता है, तो उसे हम PPC कहते हैं, पे पर क्लिक एड्स, और गूगल एडवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे ऐड चलाया जाता है, कैसे कैंपेन को बनाया जाता है और कैसे उसे स्केल अप किया जाता है ताकि हम अपने सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को अच्छा ग्रोथ दे सके और उसमें अच्छी कस्टमर रिटेंशन हो सके, तो वो सारा चीज़ आपको बताया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। जब हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आप हमेशा सुनेंगे कंटेंट इज किंग, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो कंटेंट कैसे लिखा जाता है, क्या कंटेंट का अप्रोच होना चाहिए और कैसे उसे कॉल टू एक्शन बनाया जाए ताकि कोई भी यूज़र जब कंटेंट को पढ़े या उसे समझे तो वो उसे मजबूर करे कि वो उस पर एक्शन ले और आपके वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट करे या लीड जनरेट करे या परचेज करे। तो कंटेंट कैसे लिखा जाता है इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है और इसे सीखना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया या एफिलिएट मार्केटिंग हो गया या यूट्यूब मार्केटिंग हो गया या ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हो गया या मोबाइल मार्केटिंग हो गया या क्वेरा मार्केटिंग हो गया या इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया या ट्विटर मार्केटिंग हो गया या गूगल एनालिटिक्स हो गया या लीड जनरेशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं और ये सारे चीज़ को मिला के डिजिटल मार्केटिंग शब्द आया है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है तो ये सारे जितनी मैंने नाम ली है वो सब चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप एक सच्चे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसके अलावा गूगल माई बिजनेस, मतलब लोकल लिस्टिंग, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में। अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन भी बिजनेस है और आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं तो आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में अगर लिस्ट होते हैं तो आपकी रैंकिंग उससे इम्प्रूव होती है। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अपना ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए भी ये
डिजिटल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। तो ये सारा जो मैंने मॉड्यूल बताया है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, और आपको अच्छे से इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और ये आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे, सब चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, तभी पॉसिबल है। तो आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए जो कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बता सके और समझा सके, और ना ही सिर्फ थ्योरिटिकल नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और कैसे इन चीज़ों का यूज हो सकता है रियल वर्ल्ड में, और रियल जो आपका इन्वायरमेंट है या आपका साइट्स है या जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या रिजल्ट इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसी प्लानिंग होनी चाहिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बताए, तभी आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं और अच्छी जॉब या अच्छी सैलरी और या तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने तो आपको ये सारे मॉड्यूल्स बता दिए और ये भी बताया कि इनकी पढ़ाई करनी ज़रूरी है, तभी आप एक डिजिटल मार्केटर बन पाएंगे। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि अगर आप पटना में रहते हैं तो आप सेमसॉल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि सेमसॉल्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है इस ट्रेनिंग को लेने में और सारी जो मॉड्यूल्स उसको कवर अप करने में। तो अगर आप सेमसॉल्स में ज्वाइन करते हैं तो सारा कुछ आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा, और साथ ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा कि ताकि आप पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ सके और अपने कैरियर को ग्रोथ दे सके डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो सेमसॉल्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि सेमसॉल्स ही क्यों ज्वाइन करें और क्यों सेमसॉल्स पटना की नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। सेमसॉल्स में ऐसा क्या अलग है जो कि बाकी इंस्टीट्यूट से उसे खास बनाता है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन जरूर दबाएं।